कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी पवन काजल के प्रचार को उतरे पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह विपक्ष पर हमलावर होने के बजाय अपनी ही पार्टी के नेताओं पर हमलावर हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के प्रचार समिति के अध्यक्ष होने के नाते स्पष्ट किया है कि पार्टी के पास संसाधनों की कमी है। कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी पवन काजल के प्रचार को उतरे पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह विपक्ष पर हमलावर होने के बजाय अपनी ही पार्टी के नेताओं पर हमलावर हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की प्रचार समिति के अध्यक्ष होने के नाते स्पष्ट किया है कि पार्टी के पास संसाधनों की कमी है। धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान वीरभद्र सिंह के निशाने पर पंडित सुखराम भी रहे। वीरभद्र का कहना है कि एक वक्त में पंडित सुखराम ने अपनी अलग पार्टी हिविका बनाई और कांग्रेस के भी दो विधायकों को अपने साथ ले गए, जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ था। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखिंदर सिंह सुक्खू को निशाने पर रखने वाले वीरभद्र सिंह आज कैसे भूल सकते थे। उन्होंने स्मरपिता सुक्खू पर अटैक कुछ और ही तरह से शुरू किया। वीरभद्र सिंह ने उसको स्पष्ट किया है कि हम घर की भी तो सफाई करते हैं, ऐसे में सुक्खू को समिति से हटाया गया होगा। अगर आपके घर में गंदगी हो तो उसको निकालना ठीक नहीं। अगर आपको कपड़े धोते हो आपका हाजमा ठीक नहीं होना चाहिए। आज ट्राई को बहुत ही ज्यादा कुछ सुना सुखबीर जी ऐसे लोगों को किया ये लाइबिलिटी बदल पा अगर पार्टी में जो नया सुन आते हैं नए लोग आते हैं नए जोश लोग आते हैं उन्हीं लोगों को आप 5-6-7-8 साल पार्टी जो है वो। इसके बाद उनसे जब राज्यसभा सदस्य आनंद शर्मा पर विपक्ष के आरोप पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आनंद शर्मा रास का रूट पकड़कर चल रहे हैं। जो रास का सदस्य होता है वह पंचायत या विधायक का चुनाव नहीं लड़ता है। विपक्ष बार बार अनंत को लेकर ये कहता है कि उन्हें चुनाव लड़वा कर देख लो, समझ आ जाएगा। इसी संदर्भ में वीरभद्र सिंह ने विपक्ष को जवाब दिया है। पूर्व सीएम एवं कांग्रेस प्रचार कमेटी के अध्यक्ष वीरभद्र सिंह ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सत्ती की लगातार हो रही विवादित टिप्पणी को लेकर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सत्ती यदि कांग्रेस में होते तो कब के बाहर हो जाते। लोकसभा चुनावों में चुनौतियों को लेकर पूछे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि हर चुनाव एक चुनौती होता है। अच्छी बातें रखी है, लोगों के दर्शन हर इलेक्शन चैलेंज होता है। चैलेंजेज आ रहे हैं, पहले भी थे और आइंदे भी रहे। जब पक्ष विपक्ष के बीच में लड़ाई होती है अब पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस इंजीनियर शोर पड़े, कांग्रेस शोर पड़े, हवा की पार्टी नहीं आई है। लिहाजा हम उनके प्रोपेगेंडा पर सर्वाइव करते हैं। अगर वो मेरी पार्टी में होते हैं तो कब के बाहर होते हैं, वो नहीं भी होंगे। वो मुख्यमंत्री जो है ना, वो नजूमी होंगे ना जो ये पहले अनाउंस कर दे कितने वोटों से हार जीतेंगे, ये क्यों नहीं सोच रहे कितनी वोटों से हारेंगे।